और चलिए अब तस्वीर आपको दिखाएंगे विधानसभा के बाहर की। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मैं मीडिया से भी ये कहूंगा कि किसी मिनिस्टर का या राजनीतिक कार्यकर्ता का कोई भतीजा या रिश्तेदार होना गुनाह नहीं है। मैं सब मीडिया के लोगों से अपील करूंगा, हमें सच्चाई का पता करना चाहिए, उसके बाद हमें खबरें चलानी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि किसी ने कह दिया, किसी ने लिख दिया, रिपोर्ट तो रात को दर्ज कराई गई, क्या रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसकी भी इंतजारी नहीं की। और सुबह से मैं देख रहा प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे वो वीडियोस तो देखो, फिर रात को मैंने वो वीडियोस मंगाए, डाले पुलिस की गाड़ी में, जिस व्यक्ति को पकड़ के ले जा रहे हैं उससे चाकू बरामद हुआ। एक महिला अपने पति के साथ जो सीए है, उसका नाम आप लोगों को मैं अलग से बता दूंगा, आप उससे भी मिलना, अपने हस्बैंड के साथ वहां बैठी हुई टेबल पर खाना खा रही है। एक साइकिक युवक एक महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, उसका हस्बैंड उसे रिक्वेस्ट करता है, वो चाकू लेकर आता है, उसको वहां बैठे हुए मेरा भतीजा भी बचाता है, बाकी लोग भी खड़े हो जाते हैं। वो जो भीड़ आपको दिख रही है पुलिस के सामने, क्योंकि वो दारू पिया हुआ व्यक्ति गालियां दे रहा है, उसको भीड़ ने उसको पकड़ा है, पुलिस से मुकाबला कर रहा है, उसको भीड़ ने धक्का मार के पुलिस के साथ बिठाया, पुलिस के काबू नहीं आ रहा, आपको मैंने वीडियो डाले हैं, कमाल है, सब दिख रहा है। और मेरे भतीजे की शक्ल, वो जो डांस कर रहा है वो मेरा भतीजा है, देखा आपने, लेकिन वो कहीं तोड़फोड़ करते हुए किसी वीडियो में नजर नहीं आ रहा, जबकि वीडियो उस रेस्टोरेंट वाले को, रेस्टोरेंट वाला बेईमान आदमी, गलत आदमी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसका झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा वहां उसका हस्बैंड वाइफ का और उस जो चाकू चलाने वाला उसका हुआ। आप पार्टी बन गए क्या, आपका वो दोस्त है, आपने वहां मुकदमा करा दिया, जांच हो जाएगी। उस महिला के साथ जो छेड़छाड़ हुई, स्टाफ ने महिला की मदद नहीं की, सुरक्षा नहीं की, और मेरे भतीजे ने, यदि वहां मेरे भतीजे के सामने वहां चाकू मार देते उस महिला के और उस आदमी के, तो ये होता कि प्रताप सिंह खाचरियावास का भतीजा, जिसकी हाइट प्रताप सिंह से ज्यादा है, जिसकी उम्र सिर्फ 23 या 24 साल है, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है, लेकिन वो प्रताप सिंह खाचरियावास का भतीजा जो राम के वंशज बनते हैं, उस महिला की सुरक्षा नहीं कर पाया, ये तो देते हैं आप बयान। चाकू बरामद हो गया, आदमी अरेस्ट हो गया, उसने गुनाह कर दिया। एक भी वीडियो में आप बता दो जिसमें हर्षदीप झगड़ा करते हुए दिख रहा है, मारते हुए दिख रहा है, बताओ आप। मैं वीडियो आपको मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बताओ। वो बेचारा मुझे कह रहा है, काका गुनाह ये हो गया, आप कहते हो मदद करनी चाहिए, अब मैं रात को कभी नहीं जाऊंगा। तो भैया आपके रेस्टोरेंट में वो आया है, आज उसे उसने सुबह वीडियो डाला कि उन्होंने बिल नहीं दिया, कल तक तूने नहीं बताया, तो तेरा झगड़ा हो गया, तो वीडियो तो वहां तो बिल का तो झगड़ा ही नहीं है, तेरे लिए बिल से झगड़ा तोड़ना हुआ है वहां पे, वहां इतनी भगदड़ मची तेरे रेस्टोरेंट की शिकायत, और वहां पब्लिक आई हुई जो रेस्टोरेंट में बैठी है उन्होंने 10 गिलास फोड़ दिए गुस्से में, क्योंकि आप उस महिला की मदद नहीं कर रहे थे, आपका गार्ड नहीं थे, तो आप वो पुलिस वो क्यों गिलास गिरा रहे हैं बच्चे, मैंने पूछा वो कौन थे, वो इसलिए गिरा रहे हैं, स्टाफ को डांट रहे हैं कि भैया तुमने क्या किया, महिला के साथ बदतमीजी होगी, चाकू चला रहा है ये आदमी हमारे ऊपर, वो पुलिस के भी काबू नहीं आ रहा था वो, क्या फिर बाद में पुलिस ने मुझे बताया, मैंने पूछा कि उसको अरेस्ट किया छोड़ा क्यों, बोली ये साइकिक है और ये चाकू हाथ में था उसके, उसने वार किया, घुमा रहा था अंधाधुन, पुलिस भी सामने नहीं आ पा रही थी, तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से, वो अकेला नहीं 10-5 लोगों ने काबू में किया उसको, सब क्लियर है। वो एक बीजेपी का नेता लिख रहा है, देखो ये डांस कर रहा, तो क्लब में डांस नहीं करेगा तो क्या भजन कीर्तन करेगा, 23-24 साल का नौजवान, क्या हो गया डांस कर रहा है, तो वो क्लब है ही डांस के लिए। मैं कब कह रहा हूँ डांस नहीं कर रहा, मेरे को ही दिख रहा है। भाई साहब आप थे क्या वहां पर, चाकू के सामने खड़े होकर किसी की जान बचाना सबसे मुश्किल काम है, उसको ऐसे व्यक्तियों को तो सम्मानित करना चाहिए, उल्टा चलाया। प्रताप सिंह का भतीजा होना गुनाह है क्या? प्रताप सिंह यदि कहीं सड़क पे कोई जुल्म होगा, मैं वही हूं जिसने उदयपुर की घटना के लिए कहा था कि कन्हैया लाल को जिन लोगों ने मारा, मैंने कहा था ना मीडिया में, तब मीडिया में उल्टा चला, बाद में सीधा चला कि मैं वहां होता तो ठोक के मार देता। क्यों कहा मैंने ठोक के मार देता? यदि मैं कन्हैया लाल के वहां से गुजरता और मैं उतर के उन दोनों से नहीं लड़ता और उनको नहीं मारता तो कैसे बचाता? आप किसी को पीटे बगैर किसी को बचा नहीं सकते, आपको उससे मुकाबला करना ही पड़ेगा, चाकू पकड़ना ही पड़ेगा, आपको दो उसके मारनी पड़ेगी, नहीं आपके चाकू मार देगा। नहीं FIR तो दर्ज, वो देखिए वो रेस्टोरेंट मालिक को मजा आ रहा है, FIR तो दर्ज आप भी करा सकते हो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मैंने मना तोड़ ना किया, मैंने वहां मेरे प्रभाव का इस्तेमाल किया क्या? मैंने मना किया। बहुत नेताओं की होती है FIR तक दर्ज नहीं होती। मैंने कहा पुलिस से कहा आप इसकी FIR, क्या FIR दर्ज कराई उसने, क्या FIR दर्ज, दबंगई दिखाई, क्या क्या ये बताई, एक भी मेडिकल हुआ किसी होटल के स्टाफ के लगी क्या, आप तो मुझे बताइए, खरोच नहीं आई, खरोच किसी के नहीं लगी, झगड़ा ही नहीं हुआ वहां पे, खरोच नहीं आई। वो राजनीति कर रहा है, कितनी गलतफहमी, आज सुबह बयान डाल रहा है, मतलब वो जिन बीजेपी वालों के भरोसे खेल रहा है, तो मैं प्रेस के सामने खड़ा हूं ना, मैं छुप नहीं रहा हूं, और वो मेरा भतीजा भी यहीं पर है, मुकदमा दर्ज कराया उसने, उस महिला के पति ने कल